नेक्स्ट हमारे पास है इरविन 32 लाइब्रेरी, यानी जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो बिल्ट इन प्रोसीजर है उसको हम यूज करते आए हैं, उसको हम अब डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन और मजीद अवेलेबल है, नजर किन किन फंक्शंस को आप बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर सकते हैं जो इरविन लाइब्रेरी में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी प्रोसीजर हैं, जब हमने उनको यूज करना होता है तो एक कीवर्ड हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल। कॉल कीवर्ड से हम किसी भी प्रोसीजर को कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है आपके सामने जिसमें ई ए एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 एच, एच का मतलब हेक्साडेसिमल, ये आपने ई ए एक्स में वैल्यू प्लेस की हुई है। और राइट हेक्स एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि इरविन 32 लाइब्रेरी का फंक्शन है, उसको हमने कॉल किया और कॉल करने के बाद जब हम उसको डिस्प्ले करेंगे तो वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो फंक्शन यहाँ पे यूज हुए, राइट हेक्स और सी आर एल एफ, ये दोनों क्या हैं, लाइब्रेरी फंक्शन है, दोनों क्या हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। अब लाइब्रेरी प्रोसीजर जी 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 सर ठीक हो गया, थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक दे रहा है आउटपुट, आउटपुट सर हो गया, प्रोग्राम ठीक है, अब ठीक आ रही है, अच्छी बात है, आउटपुट आ गई, लेकिन वो डिस्प्ले में है, मेमोरी में। अब नेक्स्ट आपका काम ये होगा कि आपने मेमोरी में रिवर्स करना है। ओके सर। ठीक है, यानी आपने जो जितने भी एलिमेंट स्कैन किए थे वो पहली लोकेशन पर आप सेव कर रहे थे एरे की। जी सर। तो आपने ई एस आई को आगे मूव नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा था कि वो लाइन आप ऐड कर दें, तो चलें अच्छा है कि आपने उसको परफॉर्म कर लिया। यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है और? हाँ जी मरियम, मरियम कोई क्वेश्चन है? सर नो। आपका माइक ऑन है ना? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी प्रोसीजर्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। जो इरविन 32 हम फाइल इंक्लूड करते हैं ना अपने प्रोग्राम में, उसके अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो कौन कौन से हैं। अब इनमें से कुछ फंक्शंस आपके ऐसे हैं जो टेक्स्ट पैड पे रन होते हैं और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपके विजुअल स्टूडियो में रन होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आपके टेक्स्ट पैड में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, डॉस प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जबकि कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो कि आपको विजुअल स्टूडियो में यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से बिल्ट इन प्रोसीजर हैं जो इरविन की फाइल है उसके अंदर, कौन कौन से हैं? क्लोज फाइल, एक ओपन फाइल को क्लोज करने के लिए, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को डॉस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, इसी तरह से क्रिएट आउटपुट फाइल, एक नई फाइल हार्ड डिस्क में जनरेट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए आप ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। सी आर एल एफ, कैरिज रिटर्न लाइन फीड, नई लाइन के लिए डिले, कुछ टाइम के लिए, मिली सेकेंड के लिए डिले आपने अगर क्रिएट करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं डिले फंक्शन को। अगर आपने मेमोरी के अंदर एरे को, पूरी एरे को आपने डिस्प्ले करना है तो डंप मेम को यूज कर सकते हैं, यानी कंजेक्टिव मेमोरी, एक मेमोरी ब्लॉक को आपने डिस्प्ले करना है तो डंप मेम यूज कर सकते हैं। और डंप रेक्स किस लिए होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर को डिस्प्ले करने के लिए। इसी तरह गेट कमांड टेल, ये आपकी कॉपी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एरे के अंदर उसको कॉपी करती है। ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट को कॉपी करेगी। गेट डेट एंड टाइम, करंट डेट और टाइम सिस्टम से पिक करेगा ये फंक्शन। गेट मैक्स एक्स वाई, ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज उसको बफर में प्लेस करेगा। इसी तरह से गेट एम सेकंड, रिटर्न मिली सेकंड लैप्स सिंस मिडनाइट, यानी कि आपके पास मिली सेकंड को गेट करेगा
जितने भी मिली सेकेंड जितना भी टाइम कंज्यूम हो चुका है उसके मिली सेकेंड को कन्वर्ट करके गेट करेगा। ये यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, इनमें से कुछ फंक्शन को हम यूज करेंगे टेक्स्ट पैड के अंदर। यहाँ पे है गेट टेक्स्ट कलर, कि आपने टेक्स्ट कलर को पिक करना है। गो टू एक्स वाई, ये इसी तरह से जिस तरह से आप सी प्लस प्लस में गो टू लिखते रहे हैं, कि किसी खास लोकेशन पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिहाव पर स्क्रीन पर कर्सर को आपने सेंड करना है, किसी खास लोकेशन पर भेजना है, तो गो टू एक्स वाई। इसी तरह इस डिजिट, ये जीरो फ्लैग को अनेबल करता है। अगर ए एल में डिजिट हो 0 से 9 कोई भी डिजिट हो तो उसको जीरो फ्लैग को अनेबल कर देगा इस डिजिट फंक्शन। इसी तरह मैसेज बॉक्स है, ये डिस्प्ले करने के लिए प्रॉम्प्ट करने के लिए आप इसको यूज करते हैं, और इसी तरह से फाइल ओपन करने के लिए और डेसिमल की कन्वर्जन के लिए, इसी तरह इंटीजर की कन्वर्जन के लिए, ठीक। और रैंडम 32, ये एक ऐसा नंबर जनरेट करता है जो कि 32 बिट का होता है, और सूडो रैंडम उसको इंटीजर बोलते हैं। और इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर इस रेंज तक, यानी 32 बिट के दरमियान कोई भी वैल्यू जनरेट होगी। रैंडमाइज क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेटर की सीडिंग करता है। अगर हम रैंडम 32 यूज करेंगे तो हमारे पास हर वक्त एक ही रैंडम नंबर आएगा, जब भी आप उसको कॉल करेंगे एक ही रैंडम नंबर आएगा, बार बार आप कॉल करेंगे एक ही रैंडम नंबर आएगा जो भी आपका पहली बार जनरेट हुआ। अगर रैंडमाइज हम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हर बार रैंडम 32 कॉल करने पर एक नया नंबर जनरेट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक रेंज के अंदर, मतलब आप कहते हैं 0 से लेकर 100 तक या 0 से लेकर 500 नंबर तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो, तो रैंडम रेंज हम यूज करेंगे। रीड करेक्टर क्या करता है, एक करेक्टर को रीड करने के लिए। इसी तरह और भी दूसरे फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करते हुए यूजर से वैल्यू पिक कर सकते हैं और यूजर को वैल्यू शो कर सकते हैं और स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं जो कि आप उसको स्टडी कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर है भाई? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल दी हुई हैं बिल्ट इन फंक्शंस की। पहली एग्जांपल ये है कि इसमें एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कॉल किया है, इसने क्या करना है, स्क्रीन को क्लियर करना है। जिस तरह से C++ में क्लियर स्क्रीन फंक्शन आप यूज करते हैं, इसमें भी क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है और नाम सेम है, नाम दोनों में सेम है, लेकिन कॉलिंग का मेथड डिफरेंट है। उसमें आप क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन स्मॉल लेटर में लिखते हैं और आगे पैरेंथेसिस लगा के सेमी कॉलन लगा देते हैं C++ में, जबकि यहाँ पे कॉल कीवर्ड यूज करेंगे और क्लियर स्क्रीन सिंपल उसका नाम यूज करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन डिले का यूज हुआ है। डिले से क्या मुराद है, इसने मिली सेकेंड डिले करना है। अच्छा, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो कि पैरामीटर डिमांड करते हैं, कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो कि पैरामीटर डिमांड करते हैं, तो डिले भी पैरामीटर डिमांड करता है। और डिले के लिए पैरामीटर कहाँ पे होना चाहिए, ईएएक्स में होना चाहिए। ईएएक्स में वैल्यू होनी चाहिए जितने मिली सेकेंड का आप डिले चाहते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले डिले आए उतने मिली सेकेंड आपने ईएएक्स में प्लेस करने। तो ये 500 मिली सेकेंड का मतलब क्या हुआ, आधा मिनट। आधे मिनट के बाद, यानी 500 मिली सेकेंड, आधा मिनट कह रहा हूं, एक आधा सेकेंड, आधे सेकेंड के बाद फिर कॉल डंप रेक्स यूज हुआ है आधे सेकेंड के बाद, तो ये रजिस्टर आपको शो होंगे, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड का मतलब होता है कि एक सेकेंड। बात समझ में आ रही है, भाई बात समझ में आई है? जी सर। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोगों ने परफॉर्म करना है। टास्क ये है कि आपने अपना नाम शो करना है, लेकिन करेक्टर बाय करेक्टर डिस्प्ले हो और हर करेक्टर के बाद डिस्प्ले 2 सेकंड का आए,
जैसे टाइपराइटर से टाइप नहीं करते आप, पहले एक करेक्टर आया, फिर दूसरा करेक्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जितने भी आपके नाम के स्पेलिंग है या जितने भी लेटर्स हैं आपके नाम के अंदर, वो दो दो या तीन तीन सेकंड के डिले के बाद शो हो, ये आपका टास्क है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? जो टास्क मिला है वो क्लियर है? जी सर। चलें इसको देखिएगा आप, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एक स्ट्रिंग है, असेंबली लैंग्वेज इज इजी, ऑफसेट उसका पिक किया है और राइट स्ट्रिंग करके उसको डिस्प्ले किया, सिंपल ये हम काम करते आए हैं। और फिर कॉल CRLF न्यू लाइन पे कर्सर प्लेस कर दिया है स्क्रीन पर। नेक्स्ट देखें, अगर हम CRLF को एम्बेड कर दें इस स्ट्रिंग के साथ, कैसे? CR होता है कैरिज रिटर्न, LF होता है लाइन फीड। कैरिज रिटर्न का मतलब होता है एंटर की, एंटर की, और एंटर की का ASCII कोड होता है 13। तो 13 को हेक्साडेसिमल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? D से। और लाइन फीड इसका ASCII कोड होता है 10, डेसिमल होता है 10, तो इसको हेक्साडेसिमल में हम 0AH लिख सकते हैं। तो इन दोनों के कोड को यहाँ पे मेंशन करने से क्या होगा, जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ से एंटर की प्रेस होगी खुद ब खुद और कर्सर न्यू लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा, लाइन फीड। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। हमारे पास एक वैल्यू है int val is equal to 35। कौन बताएगा मुझे ये वेरिएबल है या कुछ और चीज है? ये वाली लाइन int flag in int val is equal to 35, ये वेरिएबल है या कुछ और है? अरबाज, लुबना, सर वेरिएबल ही लग रहा है, वेरिएबल ही लग रहा है। गुले सहर, सर वेरिएबल। मारिया बीबी, दानियाल, मुकर्मा, सर वेरिएबल, मुकर्मा, नईमुल्ला, सर ये वेरिएबल ही है, रिमशा, मैंने क्वेश्चन कर दिया, आपका गला खराब है, वेरिएबल है या कुछ और है? समरा, सर, सर जैसे ऊपर लिखा हुआ उसमें कह रहा है कि अनसाइंड इंटीजर है इन बाइनरी डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, वो तो हमने डिस्प्ले किया ना, वो तो हमने डिस्प्ले किया बाइनरी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। मैं ये लाइन के बारे में पूछ रहा हूँ, ये क्या किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है? सर ये वेरिएबल जिस तरह करते हैं उसी तरह से। सिंबॉलिक कांस्टेंट याद है आपको? मैंने सिंबॉलिक कांस्टेंट का कंसेप्ट दिया था, तैयब याद है सिंबॉलिक कांस्टेंट? जी सर याद है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट के लिए पहली ऑप्शन ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये 35 है और 35 का नाम क्या है? इंट वैल, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल अगर आप लिखते हैं तो आप उसकी टाइप भी मेंशन करते हैं, यहाँ पे कोई टाइप नहीं है। इस सिंबॉलिक कांस्टेंट को हमने ईएक्स में मूव किया और सिंपल राइट बिन फंक्शन से हमने उसको बाइनरी फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया,
राइट डेक से डेसिमल फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया और राइट हेक से हेक्साडेसिमल फॉर्म में उसको डिस्प्ले कर दिया गया, ठीक है, क्लियर? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट देखें आपके पास, ये एक स्ट्रिंग को किस तरह से रीड करते हैं। हमने पहले देखा है कि इंटीजर वैल्यू किस तरह से रीड होती है, रीड इंट से, ऐसे ना, हेक्साडेसिमल वैल्यू रीड हेक्स से। और जब हमने एक करेक्टर रीड करना है तो हम करते हैं रीड करेक्टर। जब हमने स्ट्रिंग रीड करनी है, मींस के पूरा नाम या पूरा एड्रेस वगैरह, आपने पूरी स्ट्रिंग आपने रीड करनी है यूजर से, तो फिर रीड स्ट्रिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं कि जो पैरामीटर की डिमांड करते हैं, तो रीड स्ट्रिंग के लिए दो पैरामीटर चाहिए, एक ईडीएक्स में और एक ईसीएक्स में। EDX में वो एड्रेस चाहिए जिस जगह पे ये स्ट्रिंग रीड होके राइट होनी है, यानी यूजर से रीड करने के बाद स्ट्रिंग जहां पे राइट होनी है वो उसका एड्रेस EDX में चाहिए। और कितने करेक्टर रीड करनी है यूजर से, उसकी वैल्यू ECX में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, फाइल नेम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की गई है, उसकी टाइप बाइट है और 80 उसके करेक्टर है। डुप जीरो का मतलब 80 के 80 जीरो है। और यहाँ पे EDX में हमने उसका ऑफसेट प्लेस किया है। ऑफसेट प्लेस करने के बाद हमारे पास क्या है, ECX साइज ऑफ फाइल नेम। फाइल नेम में कितने 80 बाइट है ना, तो यहाँ पे 80 माइनस वन क्यों किया है? हाँ जी, कोई बताएगा माइनस वन क्यों किया है? हाँ जी लुबना, तैयब, सर इसमें हम माइनस वन ना करें तो 81 इंडेक्स नहीं हो जाएंगे जी? सर अगर हम इसमें माइनस वन ना करें तो 81 इंडेक्स नहीं हो जाएगा, मतलब 0 से लेकर 80 तक? नहीं, इसमें ये हो जाएगा ना, ये इसमें साइज ऑफ आपका होगा, यानी साइज ऑफ सम्राट होता है नंबर ऑफ बाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ करेक्टर। तो एक बाइट एक करेक्टर लेता है तो 80 करेक्टर इसमें, यानी 80 बाइट इसमें आएगा। वन माइनस करने का मतलब ये होता है कि इसमें 79 आपने कर दिए। 79 का मकसद ये है कि 79 करेक्टर आप रीड कर सकते हैं और जो आखिरी करेक्टर होगा वो नल करेक्टर होगा। नल करेक्टर भी तो होता है ना, जीरो अटैच होता है एंड पे, तो उसके लिए माइनस वन किया है। रीड स्ट्रिंग का मतलब ये आप 79 करेक्टर तक आप रीड कर रहे हैं यूजर से, ठीक है, क्लियर? तो अब आपने ये करना है, जो आप जब आपको पहला टास्क मैंने दिया था जिसमें मैंने ये कहा है कि आपने अपना नाम करेक्टर बाय करेक्टर डिस्प्ले करना है और हर करेक्टर को 3 सेकंड के डिस्प्ले के बाद आपने डिले के बाद आपने डिस्प्ले करना है, ऐसे ही ना। अब आपने ये करना है कि वो नाम जो है यूजर से भी लेना है, यूजर से वो नाम पिक भी करना है, हमने खुद से डिफाइन नहीं करना, यानी यहाँ पे लिखना नहीं, इस चीज को भी आपने यूज करना है। एग्जाम्पल 4 को भी आपने यूज करना है, यूजर से नाम लें और फिर उसको करेक्टर बाय करेक्टर 3 सेकंड के डिले के बाद डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई? जी सर, क्लियर है। एग्जाम्पल फाइव में आपके पास एक रैंडम नंबर जनरेट किया जा रहा है और रैंडम नंबर एक रेंज के अंदर जनरेट किया जा रहा है, और रेंज आपको बतानी होती है कि आपने 0 से लेकर कहाँ तक आपने डिस्प्ले रैंडम नंबर जनरेट करना है, और वो 0 से स्टार्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट, और ईएक्स में आपने फाइनल वैल्यू आपने बतानी होती है, ईएक्स में आपने फाइनल वैल्यू बतानी होती है। इसका मतलब ये है कि 0 से 100 की रेंज के अंदर
जीरो से हंड्रेड की रेंज के अंदर जो भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा उसको डिस्प्ले करना है। तो लूप कितनी बार चल रहा है? So 10 times. तो इसका मतलब 10 रैंडम नंबर जनरेट होंगे और उसकी रेंज क्या होगी? 0 से 99 की रेंज के अंदर रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं और उसको आप डिस्प्ले करते जा रहे हैं। क्लियर? जी सर। एग्जांपल नंबर 6 है आपके सर, पास बहुत है आज के लिए, बस काफी है, एक बस ये लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल। ओके सर। अच्छा, ये स्ट्रिंग है आपके पास, आपके सामने कलर आउटपुट इज इजी, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो आउटपुट है उसका फॉन्ट का कलर चेंज हो और बैकग्राउंड कलर भी उसका चेंज हो, तो फिर आप सेट टेक्स्ट कलर को यूज कर सकते हैं। सेट टेक्स्ट कलर ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको आप यूज करते हुए अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स में। मतलब ईएएक्स में आपने क्या प्लेस करना है? आपने वो वैल्यू प्लेस करनी है जो कलर की है, जो फॉन्ट के कलर की। जो पहला येलो है इसका मतलब ये है कि फॉन्ट का कलर येलो होगा, फॉन्ट का कलर येलो होगा। और प्लस ब्लू इंटू 16, ब्लू इंटू 16 का मतलब ये है कि उसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का होगा, यानी जब आप उसको डिस्प्ले करेंगे तो फॉन्ट येलो होगा और उसके बैक पर ब्लू कलर होगा। और उसके बाद डिस्प्ले क्या कर रहे हैं? ये स्ट्रिंग कलर आउटपुट इज इजी, ये आपको येलो कलर में ब्लू बैकग्राउंड के साथ डिस्प्ले में मिलेगा। ठीक है, क्लियर? जी सर। काफी है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है इसकी फिर। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर ये स्लाइड सेंड